ध्यान के बहुत पड़ाव हैं। पहला पड़ाव, जब कोई व्यक्ति ध्यान करना शुरू करता है तो मन इतना बेचैन होने लगता है जितना ध्यान के पहले भी न था। इतनी अशांति आने लगती है जितनी कभी ना आई थी। डर लगता है ये तो और उलझन बढ़ी, सुलझाने आए थे ये तो और उपद्रव गले पड़ा, चाहते थे शांति ये तो और अशांति आ गई। लेकिन ये इसलिए होता है, इसलिए नहीं कि अशांति बढ़ती है, सिर्फ इसलिए होता है कि तुम्हारा बोध बढ़ता है। अशांति तो तुम्हारे भीतर पड़ी है, भारी पड़ी, बाजार भरा है, राशि लगी है, लेकिन तुम इतने व्यस्त हो कि तुम इस पर ध्यान नहीं दे पाते। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम भीतर की तरफ मुड़ते हो, तो पहली दफे तुम अपने सारे उपद्रव से परिचित होते हो, तो पहले पड़ाव पर तो बड़ी घबराहट आ जाती, बड़ी बेचैनी बढ़ जाती, विचार विक्षिप्त की भांति दौड़ने लगते, शोरगुल बढ़ता मालूम पड़ता है, उपद्रव बढ़ता मालूम पड़ता है, और ऐसा लगता है ये क्या हुआ, हम तो ध्यान से आकांक्षा किए थे शांत होने की और भी अशांत हो गए। तब घबराहट आती है, मन होता है लौट जाए, लेकिन अगर तुम करते ही चले गए तो धीरे धीरे